बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ एक वीडियो मैं शेयर कर देता हूँ। आपको एक पिक्चर मैं साथ में दिखा रहा हूँ अभी। ये वीडियो क्लिप है बकायदा, और आपके साथ शेयर करने का मकसद ये होगा कि जो मेरे भाई सऊदी अरबिया से ट्रैवल करते हैं, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए, कहीं भी आप, खासकर पाकिस्तानियों के लिए, जदा एयरपोर्ट पर वाकई पेश आया जी, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। मैं अभी ये वीडियो ही देख रहा था। और दूसरी बात है कि ये चीज़ इस वीडियो में ये भी क्लियर कर दूंगा, मिसाल के तौर पर ये मैं मोबाइल है मेरे पास, और इसके अलावा मेरे पास एक, मैंने अपने भाई के लिए, अपनी वाइफ के लिए, या किसी भी अजीज़ो अकारब के लिए मैंने एक महंगा मोबाइल लेकर अपने बैग में रखा हुआ है। और इसके अलावा मैंने जी अपनी पॉकेट में एक महंगा मोबाइल डाला हुआ है, और बाकायदा मैंने वॉच वगैरह, आईफोन वगैरह की कोई, आपको पता है 2000 रियाल प्लस में ही मिलती है। और इसके अलावा मैंने गोल्ड के एक दो बिस्कुट रखे हुए हैं बैग में, और कुछ कीमती सामान रखा हुआ है, और पॉकेट में मैंने 35,000 रियाल डाला हुआ है। तो एयरपोर्ट के ऊपर मेरे साथ क्या होगा। हाँ, जो मेरे जैसे भाई हैं वो हमारे पास तो भाई 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 ही होता है। मैं मेरे जैसों की बात कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह का शुक्र है बहुत से पाकिस्तानी मैं जानता हूँ जी सऊदी अरबिया, माशाल्लाह उनका कारोबार अच्छा है, काम अच्छा है, और आते हैं माशाल्लाह बहुत से पैसे साथ लेके आते हैं जी। अच्छा, बात इस वीडियो में ये क्यों कर रहा था, इस वीडियो क्लिप से जो मैं आपको साथ में अभी दिखाना शुरू कर चुका हूँ, इसमें पहली बात तो आप इस वीडियो क्लिप में देख लें, हुआ क्या कि एक बंदे को गिरफ्तार किया गया जो कि ये बोल रहा है जाकर से मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ कि ये मुझे पता नहीं था इस चीज़ का, ठीक है जी। लेकिन जब आप वहाँ पर एक नहीं बेशुमार कस्में खाते जाएं, वो तो उनको तो इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं है, क्योंकि आपके सामान से ये चीज़ पकड़ी गई है, तो इसके आप ही मसूल हैं। हुआ क्या, आप देखने रोल किए हुए 500 रियाल के नोट हैं जी, और माशाल्लाह ऐसे जब जैसे खोले गए, आप देख लें वीडियो में खोलता है वो, तो माशाल्लाह ढेर लगा हुआ, यानी कि लाखों रियाल के हिसाब से बोल रहे हैं आप, ये स्मगल किए जा रहे थे, वो भाई साथ लेके जा रहा था। अच्छा, अगर आपको जाने के टाइम, अभी कुछ एक दो बातें अक्सर शेयर करूंगा, वीडियो खत्म करते हैं, जाने के टाइम अगर आपको कोई दोस्त आपका कोई ऐसी चीज देता है जो बॉक्स में पैक है, तो भाई उसको मत लीजिए, उसको अच्छे से ओपन करके देखिए, पहले तसल्ली कीजिए, फिर लेके आए, या माजरत कर लें, यही बेस्ट है। हाँ, आपके कोई रूममेट है वो आपको शैम्पू लोशन वगैरह कुछ देख ले देता है तो वो रख लें, वो तो लिक्विड चीज, आपको पता अंदर से आप ऐसे उसको दबाएंगे आपको पता चल जाएगा। पैकिंग वाली चीज भाई किसी के हाथ से मत लीजिएगा, ये वाकई आपके सामने मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूँ। अभी दूसरी बात ये है कि मैं मोबाइल एंड रियाल वगैरह के मतलब बात कर रहा था। देखिए, आम बंदा जो हमारे जैसा है सऊदी अरबिया में, वो 50,000 से 60,000 रियाल के अराउंड में एक टाइम के लिए जब सऊदी से आता है तो साथ में ला सकता है। इसमें आपके कीमती मोबाइल भी शामिल होंगे, इसमें आपका गोल्ड भी शामिल होगा, इसमें आपका कीमती एशिया भी शामिल होंगी, इसमें आपकी पॉकेट में जो रियाल है वो भी कॉस्ट किए जाएंगे, यानी कि टोटल मिलाकर 50,000 से 60,000 रियाल के अराउंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 50,000 रियाल जेब में रखा हुआ और 20,000 रियाल का सामान है, फिर आपको रोक लेंगे वो, फिर उसका 50% या 25% वहां पर आपको पे करना पड़ेगा उन तमाम चीजों का, देख लें कितना नुकसान हो जाएगा आपका। इस सूरत में आपके ऊपर रियाल स्मगलिंग करने का भी जुर्म हो सकता है। तो कोई भी बंदा किसी से सामान लेने से पहले या थोड़ा सोच ले, और अपने साथ अगर आप सामान ला रखे हैं तो कोशिश कीजिएगा यार 50 से भी कम में ही हो जाए, बेस्ट यही है। हाँ, कल एक भाई ने मुझसे रब्ता किया, बोल रहा जी मेरे पास माशाल्लाह अच्छे खासे, मैं नहीं बता अभी लिमिट तो नहीं बताऊंगा, अच्छे खासे रियाल हैं, मैं पाकिस्तान में चेंज, मैंने बोला हाँ तू इतने रियाल साथ में ला, कोई मसला नहीं है, तो कोई पूछेगा नहीं एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन एहतियात कीजिए।